हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है बुधवार और आज का भी डेली का सीन वैसे ही ऑफिस जाने का काम। तो गाइस, अभी का सीन ऐसा है, नहा धो के मैं एकदम रेडी होके पूजा पाठ मैंने कर ली है और अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा ऑफिस के लिए। और हम लोग फिर बात करते रास्ते में ही चलते चलते। चलो बाबू, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, आपकी दवाई तो ख़त्म ना है? अभी है हाँ, तो खा लेना और भैया की टेंशन ना लेना, ठीक है? तो आप भी सही रहना, ठीक है? हाँ, टेंशन से मत लेना। चलो ठीक है, बाय। हैं तो गाइस, निकल गया हूँ रूम से मैं। तो गाइस, दो तीन दिन पहले तो धूप ही अच्छा खासा लग रहा था कि गर्मियों के दिन आ गए, बट आज का मौसम देख के सुबह सुबह का ये लग रहा है कि यहाँ सर्दी गई ही नहीं है, अभी बहुत ठंड है सुबह में। तो गाइस, अभी घर का माहौल तो ऐसे ही चल रहा है, भैया की तबीयत ख़राब है। अभी भैया की तबीयत ख़राब होती है तो पापा को ज़्यादा टेंशन होती है, उस टेंशन की वजह से कल आपने देखा था मैं रूम पे गया था, उनको पहले पता लग गया था कि भैया को पेट में दिक्कत हो रही है और वो रूम पे आ रहे हैं, तो उनका फेस भी रोने जैसा हो गया था। जब मैंने यहाँ से गया, हेलो पापा कैसे हो, बोला तो एक अजीब सा रिएक्शन था ना उनके फेस में। फिर बाद में भाभी से पूछा क्या हुआ, उन्होंने बोला आपके भैया घर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे दिक्कत है उनको। तो उस वजह से मुझे लग गया था कि हाँ, उन्हीं की वजह से हो रहा है, टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा। पापा को क्या है कि अभी टेंशन इस वजह से भी ज़्यादा होती है क्योंकि पिछले साल 2021 में इसी लॉकडाउन के टाइम पे ही, जब लॉकडाउन चल रहा था उससे पहले, उनकी तबीयत ऐसी ख़राब हुई थी, पेट में दर्द, और उस टाइम तो खांसी वांसी थी, तो उस टाइम से ही पापा डरते हैं अभी। तो हालांकि टेंशन तो मेरे को भी होती है, उस टाइम पर मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल जैसा ही किया था। उस टाइम भाई की शादी तो हुई नहीं थी, शादी तो अप्रैल मई में हुई थी, उससे पहले ही वो हुए थे। तो टेंशन की वजह से पापा भी अभी बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं, टेंशन की नहीं यार ये क्या हो रहा है, उस वजह से। फिर मैं समझाता हूँ, टेंशन ना लो, हो जाएगा सब ठीक। तो फिर तो गाइस, मैं भी अभी पहुँच चुका हूँ ऑफिस में और अब लोग से अभी मैं वही मिलूँगा शाम को 5:30 बजे के अराउंड में। आजकल तो गाइस ऑफिस में भी इतना काम हो रहा है ना, पूछो नहीं, ठीक है? अब ऑफिस प्रॉपर खुल गए, बहुत काम है, पहले तो खुले नहीं थे, तो जो है कभी काम किया कभी नहीं किया, जो भी है अब तो प्रॉपर ही सुबह से लेके 5 बजे तक कंटिन्यू लगे रह रहे हैं। चलो कोई नहीं, अच्छा है, बिजी रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है वैसे। तो गाइस बाय एंड टेक केयर। हे गाइस, कैसे आप सब लोग, फाइनली आप लोगों से जुड़ चुका हूँ मैं। तो अभी जा रहा हूँ रूम के लिए ही, सामान वामान भी आज कुछ लेके नहीं जाना, और सीधा रूम पे एंट्री है मेरी। रेखा दी भी आई हुई है, अभी कॉल आया था, वो कल बताया मैंने कि भैया की तबीयत ख़राब है, तो उस वजह से वो भी आई। आज चलते सीधा अभी रूम के लिए। तो गाइस पहुंच गया रूम पे, तो गाइस पहुंच गया रूम पे। नमस्ते दीदी। नमस्ते, और कैसे हो? बस बढ़िया। बच्चे नहीं आए? एक हाँ, ये आ रखा है जीजा। आ गए रूम पे? अभी नहीं आए? कितने बजे तक आते हैं वो? आज लेट हो गया। अच्छा, कैसे हो पापा? बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तो गाइस अभी दी आई है और मेरे को भी भूख लग रही थी, ये सुबह बने थे मीठे के पराठे, और तो मैंने कहा दोनों हम पराठा मैं खाऊंगा, एक एक प्रदीप खाएगा। प्रदीप ये रहा देखो, प्रदीप हाय तो बोल। हाय। ये प्रदीप है, अभी ये भी खाएगा एक। पापा आप भी खाओगे? आप नहीं खाओगे? आप तो बस हमेशा टीवी देखते रहोगे। खा लो थोड़ा सा। चाय पी ली आपने? चाय पी ली? अच्छा चलो ठीक है फिर। सो गाइस, ये रही पंजाबी चाय है। तो गाइस, ये रहा पंजाबी तड़का और ये चाय रखी है हम मेरे लिए पीने के लिए। हेलो पापा, कैसे हो? तब ठीक है? जी तो चली गई अभी, कुछ कह रही थी वो? मैं तो तब नहीं आया था। हैं, कह रही थी कुछ, समझा रही थी आज भी? आपने समझा दी, अब समझ लेना दीदी की बात, है ना? हाँ, ऐसे आजकल खाना वाना अपना टाइम टाइम पर खाते रहो, तभी क्या है कि सही रहोगे। अगर ध्यान में रखोगे तो और परेशानी और दिक्कत है ना। एक तो भैया को अब ऐसे ही एसिडिटी हो रही है, उनकी वजह से फिर आप भी वो करोगे बीमार, तो फिर सही थोड़ी ना है। सोच सोच के ना वो ना करो आजकल, ठीक है? हाँ, दवाई ख़त्म है अभी? अब खत्म हो गई? खांसी भी नहीं है ना अभी?
आज तो नहीं लग रही उतनी खांसी, कल की दवाई से काफ़ी असर पड़ गया है, बुखार भी नहीं है ना? हाँ तो ठीक है, तो अब सही है ना। चाय वाय थोड़ा कम कर दो आजकल, चाय कम कर दो, गर्म पानी पीना है तो गर्म पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। गर्म पानी तो क्या है कि कोल्ड को आपके थोड़ा वो करेगा कम, और खांसी वांसी से भी राहत दिलाएगा है ना। चाय तो क्या है, खामों का पीते रहे तो एसिडिटी है, वो भूख नहीं लगती अलग आजकल ना, सही नहीं है? हाँ वैसे करते रहो ठीक है। चलो हाँ और टेंशन वेंशन ना लिया करो पापा किसी भी चीज़ की ठीक है। कल भी जब आपको लगा कि भैया की तबीयत खराब है तो आपका एकदम सब फेस सुकुट सा गया था, क्यों? टेंशन लेने की वजह से, टेंशन लेके हो जाएगा सही नहीं ना, तो टेंशन ना लिया करो। मैं आते ही मैंने आपके आपके हाल समाचार बोले, पापा कैसे हो क्या हो, आप एकदम रोने की तरह ऐसे करने पर लगे थे, क्यों ऐसे नहीं करना ठीक है, ये नहीं करना, अरे हो ही जाएगा ना ठीक, क्या वो टेंशन लेके थोड़ी ना है, है ना बस। चलो हाँ ओके। तो गाइज कल जब मैं आया था, आपने भी ब्लॉग में देखा ही होगा आज, तो मैं कल पापा से आते ही बात कर रहा था, तो उनका फेस एकदम ही सैड सा था। मैंने कहा यार क्या हो गया, सुबह तो गए थे अच्छे खासे बात कर रहे थे, अभी आके देखा तो एकदम ही मूड ऑफ है। तो मैंने बताया ना आपको कि भैया की तबीयत खराब थी, हो उनका कॉल आया था, हो सकता है उस वजह से पहले पता लग गया हो इनको ये दिक्कत है, उस वजह से फिर ऐसे पापा का मुंह बना था। होती है टेंशन बच्चों की, हर किसी को, मेरी भी होती है, उनको टेंशन भैया की भी होती है, तो लगा है एक, वो हमें बहुत प्यार करते हैं पापा, बहुत ही दोनों भाइयों को, इसलिए करते हैं वो। ओके गाइस, तो गाइस आजकल ऑफिस में भी बहुत काम हो रहा है, काम के चलते फिर शाम में आके बहुत थकान भी लग रही है रूम पे आके, तो जल्दी अपना खाना वाना खा के मैं तो सो जाता हूँ टाइम पे ही। पापा तो खैर लेट ही खाते हैं आजकल भी, कभी एक बार खा लेते हैं टाइम पे। और अभी क्या है कि हमारा एक और ओपन हो रहा है, ऑफिस ओपन हो रहा है अभी 20 फ्लोर पर, तो उसकी भी तैयारी चल रही है आजकल, उसके चलते काम हम थोड़ा ठीक है, मतलब हम लोग का काम बना रहेगा अभी जैसा भी जो है, लोगों ने जो पहले फेस किया है दो ढाई साल पहले, वो दिक्कत अभी नहीं आनी चाहिए, मतलब ना ठीक ठाक चलना चाहिए सबका, बहुत अच्छा लगता है वो, इसी वजह से तो चल रहा है, मतलब अच्छा चलना चाहिए सबका। तो गाइस अभी जा रहा हूँ डिनर करने, डिनर का टाइम हो चुका है, भाभी ने रेडी कर दिया सारा डिनर, देखता हूँ आज डिनर में क्या बना है। तो गाइस देखो आज पूरा डिनर सजा हुआ है, क्योंकि भैया का भी ऑफ है, पापा तो वहाँ खा रहे हैं और हम सब लोग यहीं पे खा रहे हैं खाना। चलो गाइस डिनर करते हैं, फिर डिनर में आ जाएँ। भाभी सब्जी किस चीज़ की है ये? आलू शिमला मिर्च है, और ये राइस है थोड़े बचे हुए, बाकी ये टमाटर है, गाजर है। तो गाइस डिनर करते हैं अभी। तो गाइस डिनर तो हो चुका है, अभी कर रहा हूँ एडिटिंग और इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। तो गाइस आपको ये वीडियोस कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।